Hope you all are safe and sound, taking all the COVID measures and regularly studying for your online classes and exams. क्योंकि एग्जाम्स और ऑनलाइन क्लासेस तो आजकल यू नो एकदम हैंड इन हैंड एक पूरा कॉम्बिनेशन बन चुका है. और अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, यू नो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, अपनी प्रोग्रेस रेट बढ़ानी है, तो आपको ऑब्वियसली अनअकैडमी के साथ पढ़ना होगा. बिकॉज एट अनअकैडमी यू कैन एस ऑल योर स्कूल एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स. क्योंकि अनअकैडमी पे बेनिफिट्स ही इतने होते हैं कि आपको विद इन अ वीक अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए दिखेगी. अब ये बेनिफिट्स क्या है अगर आप अनअकैडमी के साथ पढ़ते हैं, तो पहला तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. यानी कि अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड. दे आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स पिक्ड अक्रॉस इंडिया. तो वेन यू लर्न द बेस्ट एंड वेन यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होनी ही है. क्योंकि आप बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हो और बेस्ट लोगों से पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोग्रेस सब अनअकैडमी के साथ इंक्रीज करती है. इसके अलावा यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस. आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है. आपको गर्मी में, सर्दी में, बारिश में किसी टीचर के, ट्यूशन टीचर के घर जाने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगर आप अनअकैडमी से पढ़ते हैं तो यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. आप एकदम कम्फर्टेबली अपने घर से सारी चीजें पढ़ सकते हैं. सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट अनअकैडमी. इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी से पढ़ते हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अनअकैडमी आपको सारा स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करता है. अनअकैडमी में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से, एग्जॉस्टिव तरीके से पूरा सिलेबस कवर किया जाता है. यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं, डेली MCQs होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्विज होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं. इतने सारी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे चलती रहती है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो चैप्टर है, वो रेगुलर बेसिस पे यू नो रिवाइज होता जाता है. और जब रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट रोज रिवाइज होता जाता है चैप्टर, तो वो चैप्टर ऑब्वियसली आपकी टिप्स पे होता है. और जब आपकी चैप्टर टिप्स पे होगा, तो ऑब्वियसली जब एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन के सारे आंसर आपको पहले से आते होंगे. ये बेनिफिट है अनअकैडमी से पढ़ने का. इसके अलावा अनअकैडमी आपको एक मेंटोर भी देगा, जो यू नो एक फ्रेंड के जैसे आपको गाइड करता रहेगा कि कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे किन एरियाज में आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ आपने इम्प्रूव करा है. तो ये सारी चीजें अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है. अब अनअकैडमी के सारे बेनिफिट्स, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो भी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, कि जितने भी बेनिफिट्स हैं कि आप अवेल कैसे कर सकते हैं, आप कैसे इन सारे बेनिफिट्स का यू नो कैसे इन सारे फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है. वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन. तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, अलग अलग ग्रेड्स के पैकेजेस दिखेंगे. आपको जो कोर्स पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी पैकेज चूज कर सकते हैं. वैसे तो अनअकैडमी के रेट्स ऑलरेडी बहुत रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल होते हैं, बट अगर इन अफोर्डेबल और नॉमिनल रेट्स को भी आपको और कम करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड, विच इज मेंशन एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. एंड दैट कोड इज PJAIN10. जब आप मेरा एक कोड यूज करते हैं, तो आपको सीधा सीधा फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. जब आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली जो भी पैकेजेस आप अवेल करेंगे, उसके रेट्स और कम हो जाएंगे. अब ये फ्लैट 10% आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करने से ही मिलेगा. तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और जो भी पैकेज लेंगे, जिस भी क्लास के लिए पैकेज लेंगे, मेरा ये कोड हर जगह एप्लीकेबल है. आपको सीधा सीधा हर कोर्स पे, हर क्लास के कोर्स पे, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर अगर आप मेरा एक कोड यूज करते हैं, तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिल जाएगा उस पैकेज पे. हम इन सब्सक्रिप्शन की बातें आगे भी करने वाले हैं, बहुत डिटेल में करने वाले हैं, कौन कौन से सब्सक्रिप्शन होते हैं, क्या रेट्स हैं उन सब्सक्रिप्शन की, कैसे आप उन सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो, हर पैकेज के क्या क्या रेट्स हैं, ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अलॉन्ग विद ऑल द फीचर्स ऑफ दी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस.
towards the end of the video. So you have to stay tuned throughout the video because end में मैं फिर से ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. ये तो हुई अनअकैडमी की बात. अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी आप सबको बता देती हूँ. सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अनअकैडमी. आई टीच सोशल साइंस टू ग्रेड 7 एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज न्यू दिल्ली. तो ये तो हो गई मेरी बात. नाउ आई थिंक वी आर सेफ टू मूव टूवर्ड्स आवर चैप्टर. बट चैप्टर के बारे में जानने से और चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो सब कवर करने से पहले हमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी नॉलेज कंप्लीट हो. सिर्फ चैप्टर की नॉलेज नहीं, सब्जेक्ट की नॉलेज भी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए. सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर चैप्टर लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज हिस्ट्री. इस सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है? सो हिस्ट्री बेसिकली मीन्स स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स. यानी कि ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो पहले हो चुकी है, जो पास्ट में हो चुकी है, उसकी अगर स्टडी होती है तो वो होती है, अगर वो स्टडी किसी सब्जेक्ट में होती है देन दैट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री में हम सारे पास्ट इवेंट्स पढ़ते हैं. अब वो कितने पहले के इवेंट्स, तो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम के इवेंट्स हो सकते हैं या उससे भी पहले की जो सेंचुरीज थी, मुगल एम्पायर के टाइम के इवेंट्स हो सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर उससे भी पहले की चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं. बट जो भी चीज़ें हम पहले की जो हुई हुई चीज़ें अगर किसी सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं देन दैट इज अफकोर्स हिस्ट्री. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी हिस्ट्री की बुक खोलोगे या हिस्ट्री का एग्जाम देने जाओगे या फिर किसी से भी वर्ड भी सुनोगे हिस्ट्री, तो एकदम आपको क्लिक करना चाहिए दैट हिस्ट्री मतलब पहले जो इवेंट्स हो चुके हैं उससे ही रिलेटेड कोई बात हो रही होगी या उससे ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या उससे ही कुछ रिलेटेड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ होगा. सो दैट्स व्हाट हिस्ट्री मीन्स एंड आई होप आपकी सब्जेक्ट नॉलेज तो अब कम्प्लीट होगी. तो ये तो बात हुई सब्जेक्ट नॉलेज की. अब हम आते हैं अपनी चैप्टर की नॉलेज पे. तो वी वर डूइंग चैप्टर 3. एक वीडियो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर 3 इंटू 3 पार्ट्स जिसपे यानी कि मतलब मैं इस चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर करने वाली हूँ. पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ. इस वीडियो में हम ये वीडियो पार्ट 2 है. तो बेसिकली हम एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके द मस्जिद के टॉपिक तक कवर करने वाले हैं. उसके बाद एक और वीडियो होगा दैट विल बी पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. और उस वीडियो में मैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड द तुगलक्स ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है. द सोल पर्पस ऑफ डिवाइडिंग दिस एंटायर चैप्टर इनटू 3 वीडियोस इज ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है. तो अगर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बॉम्बार्ड कर दूंगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो या फिर जब मैं आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तो आप पीछे के सारे टॉपिक्स भूल सकते हो, विच इज वेरी कॉमन एज अ स्टूडेंट. तो ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो और ये टॉपिक्स आप भूलो ना, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. पार्ट 1 में मैं इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत टिल द टॉपिक रजिया सुल्तान कवर कर चुकी हूँ बहुत डिटेल में. इन केस यू हैव मिस्ड इट देन यू कैन गो एंड वॉच दैट प्रीवियस वीडियोस. इस वीडियो में ये सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके द मस्जिद के जितने भी टॉपिक्स टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस पार्ट 2 विद दिस सेकेंड वीडियो ऑफ द चैप्टर, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था. यानी कि इमर्जेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत से लेके रजिया सुल्तान तक के जो टॉपिक्स थे इन टॉपिक्स के बीच में हमने क्या क्या कवर किया. तो सबसे पहले हमने देखा था तोमार एंड चौहान डायनेस्टी वर अमंग्स द फर्स्ट 2 डायनेस्टीज जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाई थी और बहुत सारे डेवलपमेंट्स इन डायनेस्टी के टाइम पे हुए थे. फिर 12th and 13th सेंचुरी से दिल्ली सल्तनत फॉर्म होने लगी. दिस दिल्ली सल्तनत वॉज फॉर्म बाई 5 मेजर डायनेस्टीज. वो 5 मेजर डायनेस्टीज कौन कौन सी थी विच टुगेदर फॉर्म द दिल्ली सल्तनत, वो सब हमने डिस्कस किया था. फिर हमने देखा था ये जो 5 डायनेस्टीज है
इन फाइव डायनेस्टीज के अंदर कौन कौन से रूलर्स हैं, यानी कि मुमलक डायनेस्टी के कौन रूलर्स हुए, खलजी डायनेस्टी के कौन रूलर्स हुए, तुगलक डायनेस्टी के कौन हुए, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये पांचों डायनेस्टी के कौन मेन मेन रूलर्स थे। फिर हमने देखा कि ये जो तारीख और तवारीख, यानी कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी पर्शियन में लिखी हुई, इनसे कैसे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलती थी, और हमने तारीख और तवारीख के जो ऑथर्स होते थे उनके क्या रोल्स होते थे, वो किस टाइप की चीजें तवारीख में लिखते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या रोल्स एंड ड्यूटीज होती थी, ये सब हमने बहुत डिटेल में तारीख और तवारीख ऑथर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे उस टाइम के हिस्टोरियंस और तवारीख ऑथर्स को लगता था कि ये जो हाई प्रोफाइल पोजीशंस हैं इनको बर्थ राइट के बेसिस पे ही देना चाहिए, कैसे जेंडर डिस्टिंक्शंस उस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट था। और वैसे फिर हमने लास्ट टॉपिक देखा था कि राजा इल्तमिश, रूलर इल्तमिश ने कैसे अपने बेटों को रूलर ना बना के अपनी बेटी यानी कि रजिया को सुल्तान बनाया था, उस टाइम पे जब जेंडर डिस्टिंक्शन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उस टाइम पे भी इल्तमिश ने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया था। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट वन में कवर किए थे। आई होप आपने पार्ट वन वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और आपको सारे टॉपिक्स याद भी होंगे। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्दर टॉपिक्स, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की इमर्जेंस के बारे में तो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया, अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत फॉर्म तो होने लग गई थी बट ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे दिल्ली सल्तनत इतनी स्ट्रॉन्ग बनने लगी ओवर द ईयर्स, तो वो हम देखेंगे। तो क्या था इन अर्ली 13th सेंचुरी, यानी कि 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टिल देयर गैरिसन टाउन्स, वो गैरिसन टाउन से ही अपना सारा कंट्रोल मैनेज करते थे। तब एक क्वेश्चन आता है कि गैरिसन टाउन्स होते क्या है, तो गैरिसन टाउन का मतलब होता है फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स विद सोल्जर्स, यानी कि अगर आप इस इमेज को देखेंगे विच इज प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन, तो आपको दिख रहा होगा ये एक पूरी एक सिटी है और सिटी के चारों तरफ एक दीवार बना दी गई है, एक काइंड ऑफ फोर्ट बना दिया गया है, और इस फोर्ट के अंदर ही लोगों के घर है, सोल्जर्स रहते हैं, सारे मार्केट्स रहते हैं। तो इस टाइप के सेटलमेंट को कहते हैं गैरिसन टाउन्स, जहाँ पे जो लोगों के घर है, जो सिटी होती है, जो किंगडम होता है सुल्तान का, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है और सारे लोग उस दीवार के उस फोर्ट के अंदर ही रहते हैं, सब लोगों के घर उन फोर्ट के अंदर ही होते हैं, मार्केट सारे फोर्ट के अंदर ही रहते हैं, राजा भी उस फोर्ट के अंदर ही रहता है। तो बहुत बड़े ऑब्वियसली दिल्ली सल्तनत के इतने बड़े बड़े किंगडम होते थे, तो इन्होंने अपने किंगडम के चारों तरफ ऐसी बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी और सब लोगों के घर किंगडम के अंदर ही होते थे, तो इसे कहते हैं गैरिसन टाउन। तो 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान का सारा कंट्रोल इन चार सिटी की जो चार दीवारें थी उसी के अंदर तक रेस्ट्रिक्टेड था, बट एंड दे रेयरली कंट्रोल द हिंटरलैंड, उनका कंट्रोल सिर्फ गैरिसन टाउन तक था, हिंटरलैंड्स तक उनका कंट्रोल नहीं था। तब फिर से क्वेश्चन आता है ये हिंटरलैंड्स क्या होते हैं, तो ये जो गैरिसन टाउन्स है, ये जो फोर्टिफाइड एक फोर्ट बना दिया गया, ये जो वॉल्ड सिटी है, इसके जो आसपास के एरियाज होते हैं उनको कहते हैं हिंटरलैंड्स। यानी कि अगर दिल्ली सुल्तान्स का कंट्रोल दिल्ली पे है तो उन्होंने दिल्ली की चारों तरफ एक फोर्ट बना दिया और पूरी दिल्ली को एक वॉल्ड सिटी में कवर कर दिया, तो वो तो हो गया गैरिसन टाउन। अब दिल्ली के आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे आज के टाइम पे मान लो गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, या और भी आसपास के एरियाज, अलवर हो गया, तो ये सारे जो एरियाज हैं ये हिंटरलैंड्स कहलाएंगे। अब जो दिल्ली सुल्तान होते थे ये सिर्फ गैरिसन टाउन तक इनका कंट्रोल रेस्ट्रिक्टेड रहता था, हिंटरलैंड्स पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता था। अब हिंटरलैंड से यूजुअली सारे गुड्स सप्लाई होते थे बट दिल्ली सुल्तान का तो यहाँ कंट्रोल ही नहीं था,
तो एक और क्वेश्चन आता है कि जो राजा जो दिल्ली सुल्तान थे उन लोगों तक गुड्स सप्लाई रॉ मटेरियल रिसोर्सेज ये सब कैसे पहुंचती थी। तो ये पहुंचती थी तीन चीजों से, या तो ट्रेड से, ट्रिब्यूट से, या फिर प्लंडर से। ट्रेड मतलब कोई भी चीज का बाइंग एंड सेलिंग एनी ऑफ द गुड्स, यानी कि मार्केट में कुछ चीज खरीदना और कुछ चीज बाय करना सेल करना, ये हो गया ट्रेड। तो इसके थ्रू भी दिल्ली सुल्तान को सारे रिसोर्सेज मिल जाते थे। दूसरा वे था ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है जो आसपास के जो लोग होते थे जो राजा से डरते थे वो राजा को खुद ही आके गिफ्ट्स दे जाते थे। उनको लगता था अगर मैं राजा को गिफ्ट दे दूंगा तो राजा विल बी वेरी हैप्पी, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। तो वो डर के मारे खुद ही सुल्तान को गिफ्ट दे के चले जाते थे। तीसरा तरीका था प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट, यानी कि आसपास के एरिया में सुल्तान की आर्मी जाके लूटपाट करके जबरदस्ती सामान लोगों से लूट कर ले आती थी। तो इस तरीके से 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान को सारे सप्लाई प्रोवाइड होते थे, सारे रिसोर्सेज मिलते थे। क्यों? ओनली एंड ओनली बिकॉज उनका जो कंट्रोल था वो गैरिसन टाउन तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। आसपास के जो एरियाज थे, जो हिंटरलैंड्स थे, उन हिंटरलैंड्स पे इन राजा इन सुल्तान्स का कोई कंट्रोल नहीं था। तो फिर धीरे धीरे सुल्तान्स ने ना बहुत एक प्रॉब्लम फेस करने लगा, बहुत डिफिकल्ट उनको हो गया कंट्रोल करने कंट्रोल ये सारे गैरिसन टाउन को कंट्रोल करने में उनको बहुत दिक्कत आने लगी, बहुत डिफिकल्टीज आने लगी। जस्ट इमेजिन अगर दिल्ली में आपका गैरिसन टाउन है, एक गैरिसन टाउन सुल्तान का बंगाल में और एक गैरिसन टाउन सिंध में यानी कि पाकिस्तान की तरफ है, और तो आपको दिल्ली से बंगाल तक की गैरिसन टाउन कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। जस्ट इमेजिन अगर कोई सुल्तान दिल्ली में रह रहा है और उसका एक गैरिसन टाउन बंगाल में है तो कितना बड़ा डिस्टेंस था। पहले के टाइम पे ऐसे कोई रेलवे या फ्लाइट तो थी नहीं कि भाई सुबह चले गए थोड़ी देर में पहुंच गए और फिर रात तक या एक दो दिन में वापस भी आ गए, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी तो था नहीं। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध एरियाज फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स तो सब दिल्ली में ही रहते थे। अब उनके कुछ गैरिसन टाउन्स सिंध में थे, कुछ बंगाल में थे, तो बहुत मुश्किल आने लगी इतने दूर दूर जगहों के गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करने में। तो कैसे मुश्किल आती थी, यानी कि जस्ट मान लो आप दिल्ली के सुल्तान हो और आपको बंगाल का अपना गैरिसन टाउन कंट्रोल करना है। अभी जो दिल्ली से बंगाल तक का बीच के जो एरियाज हैं वहां पे कभी वॉर हो गई, यानी कि जो आपस के लोग हैं वहां पे लड़ाई हो गई, या किसी ने आपके बंगाल गैरिसन टाउन पे ही वॉर कर दी, या फिर दिल्ली से बंगाल तक का बीच का जो एरिया है वहाँ की जो वेदर है वो बहुत खराब हो गई, बहुत बारिश आने लग गई, तो आपका कोई भी मैसेज दिल्ली से आपका आर्मी बंगाल तक नहीं पहुंचा पा रही, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया खराब वेदर के कारण। या फिर अफगानिस्तान से भी जो मंगोल्स थे वो भी इंडिया में घुसना चाहते थे, इंडिया पे बार बार अटैक कर रहे थे, तो आप दिल्ली को संभालोगे या बंगाल में जो वॉर हो रही है उसको संभालोगे, तो ऐसे बहुत दिक्कत आने लगी। या फिर कभी कभी जो दिल्ली से बंगाल के बीच में जो छोटी जगहों के जो गवर्नर्स थे वो ही आप पे अटैक कर देते थे या आपके अगेंस्ट हो जाते थे एज दिल्ली सुल्तान। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आने लगी बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज्यादा थे। ये मैप में तो बहुत पास पास लग रहे जैसे दिल्ली और बंगाल बस पास पास में ही है, बट एक्चुअल में दिल्ली और बंगाल में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत टाइम लगता है। और उस टाइम पे तो ना कोई टेक्नोलॉजी थी, कोई फोन कॉल्स वगैरह तो होते नहीं थे, रेलवे या एयरपोर्ट या एयरप्लेन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाए। तो पहले के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आने लगी दिल्ली सुल्तान्स को, क्योंकि इतनी अलग अलग जगहों पे उनके गैरिसन टाउन्स थे और ये जो बीच के जो हिंटरलैंड्स थे यानी कि दिल्ली और बंगाल की जो बीच की जगह थी हिंटरलैंड्स जिसे हम कह सकते हैं, इन हिंटरलैंड्स पे दिल्ली सुल्तान्स का कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब ये तो थी 13th सेंचुरी की बात, बट जैसे जैसे ममलुक डायनेस्टी के घियासुद्दीन बलबन जब पावर में आए, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जब ये सब सुल्तान बने दिल्ली के,
तो इन लोगों को भी प्रॉब्लम्स आने लगी और इन लोगों ने यू नो अपने अपने टाइम पे डिसाइड किया। जैसे गियासुद्दीन बलबन को लगा कि यू नो दिल्ली से बंगाल को और सिंध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा कि ये जो बीच के जो हिंटरलैंड्स हैं दिल्ली से और बंगाल के बीच के जो एरियाज हैं उन पे उनको भी मैं अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ, दिल्ली से सिंध के जो एरियाज हैं उनको भी मैं अपने कंट्रोल कर लेता हूँ। यानी कि बेसिकली ये जो दिल्ली सल्तनत हुई इसकी एक कंसोलिडेशन होने लगी, यानी कि सारे एरियाज को दिल्ली के अंदर ही कंबाइंड यू नो सारे एरियाज को ये लोग कंबाइंड करते हुए चले गए। ये जो बीच में ऐसे जो डिस्पर्स था, ऐसे जो इनका जो रूल था, ऐसे स्प्रेड जो था पहले में वो ऐसे स्प्रेड की जगह इनको लगा कि यू नो एक ही रूल कर देते हैं। जैसे कि अगर आप ये फर्स्ट इमेज में भी देखेंगे मामलुक डायनेस्टी में, तो यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ कहीं पे होगा दिल्ली एंड यहाँ पे था बंगाल। तो ये जो बीच दिल्ली से बंगाल तक के एरियाज थे, ये जो ग्रीन कलर में है, ये पूरा एरिया ममलुक डायनेस्टी गियासुद्दीन बलबन ने अपने अंडर कर लिया था, यानी कि इतने बड़े एरिया पे वो कंट्रोल कर रहे थे। फिर आप खिलजी डायनेस्टी में भी देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने उससे भी ज्यादा एरिया अपने अंडर में कंट्रोल किया। फिर तुगलक डायनेस्टी के जो मोहम्मद तुगलक हुए उन्होंने तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही कवर कर लिया, अपने अंडर लिया है। यानी कि जो गैरिसन टाउन से ये लोग बाहर निकलने लगे और जो हिंटरलैंड्स थे उसको भी अपने कंट्रोल में अपने अंडर लेने लग गए, उस पर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। और जैसे जैसे ये लोग हिंटरलैंड्स को भी अपने कंट्रोल के अंदर लाने लगे, इनका जो एरिया था दिल्ली सल्तनत का वो इतना एक्सपैंड होने लग गया। तो दैट्स हाउ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। ये जो एक्सपेंशन था दिल्ली सल्तनत का ये दो कैंपेन्स के थ्रू हुआ। पहला तो है इंटरनल फ्रंटियर कैंपेन्स एंड दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर कैंपेन्स। हम ऑब्वियसली इन सब के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। स्टार्टिंग विथ इंटरनल फ्रंटियर कैंपेन्स क्या थे, इंटरनल फ्रंटियर पे ऐसी क्या चीजें हुई, यानी कि इंटरनली ऐसी क्या चीजें हुई जिससे जो है ये दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड होने लगी, या फिर हम कह सकते हैं जिससे जो हिंटरलैंड्स थे वो भी उस पर भी दिल्ली सुल्तान अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सके। तो इंटरनल फ्रंटियर्स में क्या था, जितने भी गैरिसन टाउन थे, यानी कि एक मान लीजिए दिल्ली में गैरिसन टाउन है और एक बंगाल में गैरिसन टाउन है, अब दिल्ली और बंगाल के बीच में जो भी एरिया है वो हो गया हिंटरलैंड्स। तो ये हिंटरलैंड्स को भी गैरिसन टाउन के ही कैसे अंडर लाया जा सके वो सारी चीजें हुई इंटरनल फ्रंटियर कैंपेन्स के अंदर। तो क्या हुआ, दिल्ली और बंगाल के बीच में जो एरिया था वहाँ पे ये कैंपेन्स होने लगे और गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड थी, जो फॉरेस्ट थे उसको क्लियर किया जाने लगा। गंगा और यमुना के बीच में जो लैंड थी उसको कहा गया गंगा यमुना द्वाब, यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक गैरिसन टाउन ये जो रेड डॉट में दिख रहा है ये हो गया दिल्ली, और दूसरा गैरिसन टाउन जो रेड डॉट बंगाल का दिख रहा है ये हो गया बंगाल का गैरिसन टाउन, और जितना भी रीजन आपको येलो में दिख रहा है वो सब हो गया इन दोनों एरियाज के बीच का हिंटरलैंड, यानी कि इन दोनों एरियाज के आसपास की जगह जिनके ऊपर दिल्ली सुल्तान का अभी तक कंट्रोल नहीं है बट वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, अब दिल्ली से बंगाल के बीच में दो नदियां बह रही हैं, दैट इज यमुना और गंगा। अब ये जो यमुना और गंगा के बीच की जो लैंड है इसको कहते हैं दोआब, यमुना गंगा दोआब। दोआब का मतलब होता है दो यानी कि टू एंड अब का मतलब होता है रिवर्स। दो नदियों के बीच में, दो रिवर्स के बीच में जो लैंड हुई, यानी कि यमुना रिवर और गंगा रिवर के बीच की जो लैंड हुई उसको दोआब कहा गया। एंड इस वे में ये जो सुल्तान थे उन्होंने क्या किया कि जो गंगा यमुना के जो बीच की लैंड थी यहाँ पे बहुत सारे जंगल थे, फॉरेस्ट थे, तो इन सुल्तान ने सोचा ये पूरा एरिया क्लियर कर देते हैं। तो उन्होंने गंगा और यमुना के बीच में जितने भी फॉरेस्ट थे, गंगा यमुना के बीच में जो लैंड थी वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट थे वो सारे क्लियर कर दिए, सारे पेड़ कटवा दिए, पूरा फॉरेस्ट एकदम एक क्लियर लैंड कर दिया। और ये यहाँ पे ऑब्वियसली अब फॉरेस्ट में तो हंटर गैदरर्स रहते हैं या पेस्ट्रलिस्ट रहते हैं,
हंटर गैदरर्स मतलब जो एनिमल्स पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे शीप, गोट, काउ, बफलो। और पैस्टरलिस्ट होते हैं जो अपने एनिमल्स को चारा के लिए उनकी फूड के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करते हैं। अब ये हंटर गैदरर्स एंड पैस्टरलिस्ट ये फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट थे, बिकॉज फॉरेस्ट में ही इतनी सारी चीजें अवेलेबल थी जहाँ पे उनके एनिमल्स को खाना मिल सकता था और लकड़ियाँ मिल सकती थी। बट अब सुल्तान ने पूरे फॉरेस्ट तो हटवा दिए, तो अब ये जो हंटर गैदरर्स और पैस्टरलिस्ट थे उन लोगों को भी यहाँ से बेदखल कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। इन लोगों को कह दिया गया कि तुम अपने लिए नया एरिया ढूंढ लो या कहीं और जाके रह लो, यहाँ यहाँ की जो जमीन है इसको तो खाली कर दो। और ये जो लैंड थी यानी कि ये जो फॉरेस्ट को तो सुल्तान ने पूरे क्लियर करवा दिए थे, तब पूरा फॉरेस्ट जब हट गया, सारे पेड़ कट गए, तो पूरी एकदम फ्लैट लैंड थी। अब ये जो लैंड थी ये सुल्तान ने पेजेंट्स यानी कि किसानों को दे दिया और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एनकरेज किया। मतलब सुल्तान ने कहा अब ये एरिया भी हमारे अंडर कंट्रोल में है, कि सारी जमीन, ये सारे फॉरेस्ट तो हमने कटवा दिए, पूरा जंगल हमने कटवा दिया, अभी जो जमीन है ये किसानों को दे दो ताकि किसान यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा इंटरनल फ्रंटियर में भी नए नए फोर्ट बनाए गए, नए नए गैरिसन टाउन्स बनाए गए ताकि ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो रीजनल ट्रेड है उसको भी प्रमोट किया जा सके। तो ये सारी चीजें इंटरनल फ्रंटियर्स में हुई, जहाँ पे जितने भी हिंटरलैंड्स थे उन मेन एम सारे सुल्तान का इंटरनल फ्रंटियर कैंपेन्स में यही था कि जितने भी हिंटरलैंड्स हैं वो सारे गैरिसन टाउन्स के अंडर आ जाए, यानी कि उनका जो कंट्रोल था वो वास्ट एरिया पे दिल्ली सुल्तान का कंट्रोल हुए, मेन एम यही था। और इंटरनल फ्रंटियर्स में मतलब ये सारे पॉइंट्स आएंगे कि यमुना, गंगा और यमुना के जो बीच की लैंड थी वहाँ के सारे फॉरेस्ट क्लियर करवाए गए, फिर जो लैंड थी वो पेजेंट्स को दे दी गई यानी कि किसानों को दे दी गई खेती बाड़ी के लिए, और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एनकरेज किया गया। इसके अलावा नए नए फोर्ट यानी कि नए नए किले बनाए गए, नए नए गैरिसन टाउन्स बनाए गए ताकि जो रीजनल ट्रेड है वो प्रोटेक्ट हो सके और जो ट्रेड रूट्स है यानी कि जिन रास्तों से ट्रेडिंग होती थी, बाइंग एंड सेलिंग होती थी, वो सारे रूट्स भी प्रोटेक्टेड रहे, कोई और आके उन रूट्स पे अटैक ना कर दे जिससे कि जो ट्रेड है वो रुक जाए। तो ये सारी चीजें इंटरनल फ्रंटियर में हुई थी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ये तो आप ऑब्वियसली जानते हैं। तो ऐसे क्या कैंपेन्स हुए जो बाहर होने लगे? अब ये बाहर क्या है, तो अगर आपने अभी तक देखा होगा तो ये चीज रियलाइज की होगी कि अभी तक दिल्ली सुल्तान सिर्फ इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन है वहीं पे अपना कंट्रोल कर रहे थे। बट अलाउद्दीन खलजी के टाइम से, जैसे ही अलाउद्दीन खलजी पावर में आए, तो उनको लगा कि क्या है, सिर्फ नॉर्थ में ही क्यों कंट्रोल होना चाहिए, हमारा साउथ में भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, साउथ इंडिया पे भी हमें अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो अभी तक वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया पे ही अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे थे। बट अब एक्सटर्नल फ्रंटियर कैंपेन्स में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से यानी कि 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी जो सदर्न इंडिया था वहां पे भी अटैक करने लगे, वहां पे भी इनकी आर्मी धीरे धीरे जाके अलग अलग एरियाज पे अटैक करने लगी और उनको अपने कंट्रोल में लेने लगी। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो है दिल्ली जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का मेन कंट्रोल था। अब उन्होंने सोचा कि दिल्ली से निकल के उन्होंने 1305 में मांडू पे अटैक किया, फिर 1311 में वारंगल पे अटैक किया, और फिर ऐसे पूरा अलग अलग ईयर्स में उन्होंने साउथ इंडिया पे भी अटैक करते गए, वो ओवर द ईयर्स, एंड अपना कंट्रोल साउथ इंडिया में भी इस्टेब्लिश करने लगे। अलाउद्दीन खलजी के बाद ये जो साउथ इंडिया में जो इनका अटैक्स थे ये मोहम्मद तुगलक के टाइम पे खत्म हुए। एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम में हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पे ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही इनके अंडर में आ गया था, पूरा इन्होंने पूरा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था मोहम्मद तुगलक ने। तो ऐसे एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पे
नॉर्थ इंडिया की बजाय ये जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, मेनली इन्होंने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पे भी अपना अटैक करना स्टार्ट किया, साउथ इंडिया पे भी अपना एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। अब ये लोग साउथ इंडिया में अटैक्स तो करने लग गए, बट जैसे जैसे ये लोग अटैक करते थे और कोई भी नई जगह पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते थे, तो यहाँ जो सुल्तान की जो आर्मीज थी उन जगहों के जितने भी एलिफेंट्स होते थे, जितने भी हॉर्स होते थे, जितने भी स्लेव्स होते थे, यानी कि जो जो मजदूर होते थे या फिर जो सर्वेंट्स होते थे, उन सबको अपने कैप्चर में कर लेते थे। और वहाँ के जो भी प्रेशियस मेटल्स थे, यानी कि सोना चांदी, इन सबको भी लूट के दिल्ली ले जा लेते थे। मोहम्मद तुगलक के एंड तक दिल्ली ने ऑलमोस्ट अपनी सारी राइवल्स को, जितने भी दुश्मन थे, मोहम्मद तुगलक ने ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ हिज रीन, मतलब उनका जो टाइम पीरियड था, जितने टाइम पीरियड में वो सुल्तान बने, जितना उनका टाइम पीरियड था एंड तक आते आते, उनने ऑलमोस्ट अपने सारे दुश्मनों को डिफीट कर लिया था। और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की जितनी मेन मेन सिटीज थी सब पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। अब ये जो सुल्तान थे ये सारे टैक्स भी कलेक्ट करते थे किसानों से, और ही यूज्ड टू इंश्योर दैट हर किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो जाए। तो ऐसे दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड होते गई ओवर द इयर्स। मेनली दो कारण थे एक्सपेंशन के। पहला कारण ये था कि जो हिंटरलैंड थे उनको भी गैरिसन टाउन्स के अंडर इंक्लूड करने लग गए थे। जो हिंटरलैंड थे उनको, हिंटरलैंड को भी सुल्तान अपने कंट्रोल वहां पे इस्टेब्लिश करने लग गए थे। ये सारी चीजें हुई थी इंटरनल फ्रंटियर में। और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया में भी दिल्ली के सुल्तान, मेनली दो सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, ये दो सुल्तान थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पे भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। तो ऐसे दिल्ली जो ये पूरी दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली से होते होते ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। एंड ये कंट्रोल बेसिकली दो कैंपेन से ही हुआ, इंटरनल कैंपेन एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर कैंपेन। है इसमें ऑलमोस्ट इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के, दैट इज द मस्जिद। अब मस्जिद टर्म हमने बहुत बार सुना है, बट मस्जिद का मीनिंग क्या होता है? जो मॉस्क होता है, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं अल्लाह को, उन उन जगहों को कहते हैं मस्जिद अरबिक में। यानी कि मॉस्क जो है वो तो इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं, बट अरबिक में मस्जिद कहते हैं मॉस्क को। मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे सारे मुस्लिम्स अल्लाह को अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। अब ये जो मस्जिद होते हैं, यानी कि ये जो मॉस्क होते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ मॉस्क होता है जिसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, और जिसको अरबिक में मस्जिद ए जामी या जामा मस्जिद भी कहते हैं, जहाँ पे इसको इंग्लिश में फ्राइडे मॉस्क भी कहते हैं, जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी सारी प्रेयर्स, यानी कि जो नमाज होती है मुस्लिम्स की, वो नमाज मुस्लिम इन मस्जिद में, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क में ऑफर करते हैं अल्लाह को। अभी जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होते हैं, ये अपना एक लीडर चूज करते हैं, और ये लीडर हमेशा एक मेल ही होगा, एक पढ़ा लिखा मेल, जिसको सारी कुरान की सारे टेक्स्ट आते हो, या इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह की जितनी भी टीचिंग्स है, ये सारी टीचिंग जिस किसी ऐसे इंसान को जिनको ये सारी टीचिंग्स आती हो। तो ये जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स होते हैं, जो इन मॉस्क में अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं अल्लाह को, ये सारे मुस्लिम्स अपना एक लीडर चूज करते हैं जिसको कहते हैं इमाम। ये इमाम बेसिकली जितने भी प्रेयर के रिचुअल्स होते हैं, नमाज के रिचुअल्स या और भी जो मुस्लिम्स की जो दूसरी प्रेयर्स होती हैं, ये सारी प्रेयर्स ये इमाम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सारी प्रेयर्स इमाम ही ऑफर करते हैं। और ये इमाम चूज कैसे होता है? तो ये जो मॉस्क के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि जो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क के जो मेंबर्स होते हैं, कोई भी वो लोग ही एक लीडर को चूज करते हैं जो इमाम बनता है। और ये जो लीडर होता है ये बहुत ही रिस्पेक्टेड होता है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है।
एंड ही इज अ लर्न्ड मेल, यानी कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं। बस एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो इमाम होते हैं, लेकिन ओनली बी मेन, यानी कि सिर्फ जो आदमी होते हैं सिर्फ वही इमाम बन सकते हैं, औरतें इमाम नहीं बन सकती। इमाम का मेन काम यही होता है कि उनको जितने भी प्रेयर्स के रिचुअल्स होते हैं वो ये इमाम ऑफर करते हैं मॉस्क के अंदर। इसके अलावा ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन, जिसको खुतबा भी कहते हैं, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। तो फ्राइडे की जो प्रेयर्स होती है मुस्लिम्स की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और ये जो इमाम होते हैं ये फ्राइडे प्रेयर्स भी ऑफर करते हैं। ये जो प्रेयर्स होती है ये कैसे होती है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो प्रेयर के टाइम पे मुस्लिम्स मेका की डायरेक्शन में फेस करके खड़े होते हैं। मेका बेसिकली एक मुस्लिम्स का बहुत ही होली प्लेस होती है, होली प्लेस होती है, एक तीर्थ होता है इनका मुस्लिम्स का। और ये मेका जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में ही मुस्लिम्स फेस करके अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो सारे मुस्लिम्स वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खड़े होकर अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, बिकॉज इंडिया से वेस्ट की तरफ मेका सिचुएटेड है। तो वेस्ट की डायरेक्शन में इंडिया में सारे मुस्लिम्स अपनी प्रेयर्स वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके अपनी सारी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, जिसको किबला भी कहते हैं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में अपनी प्रेयर्स को ऑफर करने को किबला भी कहते हैं, या फिर मेका की डायरेक्शन में अपनी प्रेयर्स को ऑफर करने के लिए किबला भी कहते हैं। तब ये जो दिल्ली सुल्तान थे ये सारे मुस्लिम्स थे, तो इन्होंने जितने भी जगह जगह पे अपने मॉस्क बिल्ड करवाए, मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराए। देखो पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था, एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करो, जितने भी राजपूत रूलर्स थे, यानी कि जब दिल्ली सुल्तान नहीं थी उससे पहले तो सारे हिंदू रूलर्स ही थे, तोमार राजपूत से या चौहान राजपूत से, या उससे भी पहले हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जो भी सारे हिंदू रूलर्स थे। तो हिंदू रूलर्स क्या करते थे, ये जगह जगह पे बड़े बड़े टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते थे। बट जैसे जैसे ये दिल्ली में सुल्तान आने लगे, यू नो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने लगी और एक्सपैंड होने लगी, तो ये सारे दिल्ली सुल्तान तो मुस्लिम्स थे, क्योंकि अफगानिस्तान से ही मेनली इंडिया में आए थे। इंडिया के बाहर से ये लोग अफगानिस्तान, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स रहते थे, वहां से इंडिया में एंटर हुए थे। तो ये सारे सुल्तान मुस्लिम्स थे। तो अब जैसे हिंदू राजाओं ने जगह जगह पे मंदिर कंस्ट्रक्ट कराए, वैसे ये जो मुस्लिम सुल्तान थे इन्होंने जगह जगह पे अपने मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराए, यानी कि जगह जगह पे मस्जिद कंस्ट्रक्ट कराए। क्यों? क्योंकि ये क्लेम करना चाहते थे दैट दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको प्रोटेक्ट करने का एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था, जगह जगह पे मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, या फिर इनको ये बताना होता था दैट वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, तो भी ये जगह जगह पे मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करवाते थे, मॉस्क को कंस्ट्रक्ट करवाते थे। और मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाने से एक जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स है, एक जो यू नो बिलीव सिस्टम होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो भी आपस में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में शेयर होने लगा, दैट हर जितने भी मुस्लिम्स थे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडिया में, और जहाँ जहाँ भी सुल्तान का रूल था वहाँ पे जितने भी मुस्लिम्स थे उनको एक एक यू नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लगने लगी, दैट यू नो हम वी एज मुस्लिम्स कम्युनिटी प्रोटेक्टेड है, वी आर द बिलीवर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, हम सारे जितने भी कम्युनिटी हैं सेम बिलीफ सिस्टम को रखते हैं, हम सारे अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह पे हमारा बिलीफ है। तो मॉस्क, ये जो मॉस्क कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, दैट दीज मॉस्क बेसिकली क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप करते गए, हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो दैट इज बेसिकली इस वीडियो में यही सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले थे। इस चैप्टर का एक थर्ड वीडियो भी होगा जहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड द मोहम्मद तुगलक, यानी कि इन दो सुल्तान के बीच में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी इन दो सुल्तान की, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन किया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्या उनकी पॉलिसीज थी, और मोहम्मद तुगलक की क्या पॉलिसीज थी, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। बेसिकली हम इन दो सुल्तान को कंपेयर करने वाले हैं, एंड
वो हम थर्ड वीडियो में करने वाले हैं. तो बेसिकली वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड हाफ ऑफ द चैप्टर इन दीज टू वीडियोस. इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत यू नो इमर्ज कैसे हुई, और वहाँ से लेके रजिया सुल्तान तक के टॉपिक में बीच में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हमने पार्ट वन में कवर किया था. इस वीडियो में हमने बेसिकली ये देखा कि दिल्ली सल्तनत जब इमर्ज तो हो गई बट एक्सपैंड कैसे हुई. तो इंटरनल फ्रंटियर पे क्या चेंजेस आए, एक्सटर्नल फ्रंटियर पे क्या कैंपेन्स के चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें बेसिकली हमने इस वीडियो में पढ़ी. और थर्ड वीडियो में तो बेसिकली हम अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी उनको आपस में कंपेयर करने वाले हैं. तो दैट्स हाउ वील बी कवरिंग दिस एंटायर चैप्टर इन थ्री वीडियोज. क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था तो इसी कारण से इस चैप्टर को हमने तीन वीडियोस में डिवाइड किया गया है. अब हो सकता है जब मैंने ये दो वीडियोस आपको पढ़ाए तो हो सकता है आपको यू नो बीच बीच में डाउट्स हो, आपको अलग अलग टाइप के डाउट्स हो सकते हैं. बट यू नो प्रॉब्लम ये है कि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ नहीं सकते और मुझे भी आपके डाउट्स पता नहीं चल सकते, बिकॉज ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया और यूट्यूब पे डाल दिया गया. तो अगर आपको ऐसे ही कोई डाउट्स हैं और आप अगर उन डाउट्स को पूछना चाहते हैं, देन यू कैन कम टू अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस. ये क्लासेस लगती है अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे, यानी कि अनअकैडमी का जो लर्नर्स ऐप होता है वहाँ पे ये स्पेशल क्लासेस लगती हैं जहाँ पे यू नो आप मुझसे यानी कि एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हो, आप एजुकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, इनफैक्ट एजुकेटर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, आप उन सब के साथ ही क्लासेस अटेंड कर सकते हो. और सबसे बेस्ट पार्ट जो इन क्लासेस का है वो ये है दैट दीज क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री. यू डू नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी. आपको एक रुपए भी इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए नहीं करना है. आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट की जिस भी क्लास की फ्री स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं, ये स्पेशल क्लासेस आप हर सब्जेक्ट की हर यू नो क्लास के लिए क्लासेस स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं. एंड दीज क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री. इन क्लासेस पे आइए, अटेंड कीजिए और मेरे जैसे एजुकेटर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछूं, जो क्विज आपके साथ इंटरेस्टिंग फन क्विज लू उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये तो हो गई बात फ्री क्लासेस की. अब बात आती है पेड क्लासेस की. तो अनअकैडमी पे कुछ ऐसी क्लासेस भी होती है जो पेड होती है, यानी कि उन क्लासेस के लिए आपको थोड़े से पैसे अनअकैडमी को देने पड़ेंगे. अब क्योंकि आप मनी अनअकैडमी को दे रहे हो तो ऑब्वियसली अनअकैडमी आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी. और वो बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. ये बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू गेट टू लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं घर बैठे बैठे. आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है. यू डू नॉट हैव टू गो टू अ टीचर के घर पे. आप अपने घर में बैठे बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा यू गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. और अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बहुत यू नो बहुत इजी वे में अपने सारे अकेडमिक डाउट्स एजुकेटर से क्लियर कर सकते हैं. पूरे सिलेबस को एग्जॉस्टिव तरीके से कवर किया जाएगा. यू कैन लर्न अनलिमिटेड कोर्सेज, अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं एक बार अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसके अलावा आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको यू नो एक फ्रेंड की जैसे आपकी परफॉर्मेंस पे आपको गाइड करेगा कि कैसे आप यू नो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने इम्प्रूव किया है और कैसे आप और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो एक बेसिकली आपको एक लाइफ टाइम फ्रेंड अनअकैडमी पे मिलेगा अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं. इसके अलावा अनअकैडमी आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट होंगे,
लाइव क्विज होंगे, डेली मॉक टेस्ट होंगे, वीकली मॉक टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस सेशन होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होंगी, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज होंगी, लाइव टेस्ट सीरीज होगा और अलग अलग बैचेस में पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो बेसिकली अन अकेडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी लाइफ से एकदम जिंगल आना। अब क्वेश्चन आता है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं और क्या प्राइस है इस प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के? तो प्राइस आपकी स्क्रीन पे है, अलग अलग पैकेजेस है, 6 मंथ्स का पैकेज है, 12 मंथ्स का पैकेज है, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का पैकेज है। सारी रेट्स आपके स्क्रीन पे दी हुई है। ये कैसे आप अवेल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको जाना पड़ेगा अन अकेडमी के लर्नर्स, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा, सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करो और वहां पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन दिख जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में भी अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसी आपकी कन्वीनियंस हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जिस क्लास के लिए आप पढ़ना चाहते हो, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी पैकेज ले सकते हो। आप 6 मंथ, 12 मंथ्स का पैकेज, 15 मंथ्स, कोई भी मंथ का पैकेज आप ले सकते हो। और अगर इन प्राइसेस को आपको और कम करवाना हो, यानी कि अगर आपको स्ट्रेट 10% फ्लैट 10% डिस्काउंट चाहिए, तो आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड, दैट इज PJAIN10। बिकॉज जब आप मेरा एक कोड यूज करते हो तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलता है। तो आपकी तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। अब एक और टाइप का सब्सक्रिप्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस सब्सक्रिप्शन का नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है और उससे कैसे ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन डिफरेंट है। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन था, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स अलग हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स प्लस सब्सक्रिप्शन से थोड़े से और ज्यादा हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आप दिल्ली टू गोवा ट्रैवल कर रहे हो, अब ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन में स्लीपर कोच होता है, जनरल कोच होता है, थर्ड एसी का कोच होता है, सेकंड एसी का कोच होता है, फर्स्ट एसी का कोच होता है। तो ये जो कोच होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप जनरल डिब्बे में बैठोगे तो ट्रेन आपको पुणे तक पहुंचा देगी गोवा की जगह, और अगर थर्ड एसी में पहुंचोगे तो बॉम्बे पहुंचा देगी, और अगर फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट से ट्रैवल करोगे तो ही सिर्फ गोवा पहुंचोगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप थर्ड एसी में ट्रैवल करो, आप जनरल डिब्बे से ट्रैवल करो या स्लीपर कोच में रहो या फिर फर्स्ट एसी में रहो, वो ट्रेन दिल्ली से लेके गोवा तक ही पहुंचेगी। तो डिफरेंस क्या है? तो बात आती है लग्जरी और कंफर्ट की। वैसे ही अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एकदम फर्स्ट एसी के कंपार्टमेंट जैसे यहाँ पे एकदम बेस्ट बेनिफिट्स और बेस्ट फीचर्स मिलेंगे। तो क्या फीचर्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन से थोड़े या ज्यादा मिलते हैं? तो सारे फीचर्स आपके स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो सिर्फ आप पे ही ध्यान देगा, आपको ही गाइड करेगा, आपको ही गाइडेंस देगा और आपके ही सारे डाउट्स क्लियर करेगा। इसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहाँ पे आप सारे डाउट्स, जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो वैसे वैसे आप अपने सारे डाउट्स, यू नो, अपने सारे एकेडमिक डाउट्स एजुकेटर से उसी टाइम पे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा वीकली रिपोर्ट्स होंगी, तो आप अन अकेडमी आपको वीकली रिपोर्ट्स बना के देगा और उन रिपोर्ट्स में क्या होगा, तो बेसिकली आपकी थ्रू आउट द वीक क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसे आपने थ्रू आउट द वीक परफॉर्म किया, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को आगे आने वाले वीक्स पे यू नो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बेसिकली होगा वीकली रिपोर्ट में, जहाँ पे आपकी वीकली रिपोर्ट्स आपको पूरे थ्रू आउट द वीक आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी एक रिपोर्ट बना के अन अकेडमी आपको देगा, जहाँ से आप असेस कर सकते हो कि अच्छा इस वीक में मेरी ये परफॉर्मेंस रही है तो आगे वाले वीक में मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे पेरेंट और एजुकेटर का कनेक्ट भी होता है, यानी कि बच्चों के सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हमारे पेरेंट्स को भी हमारे बहुत यू नो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कि यू नो हमारे बच्चे फ्यूचर में किस फील्ड में मैं अपने बच्चों को आगे जाने दूं या फिर किस फील्ड में इनका फ्यूचर इस्टेब्लिश करना चाहिए हमारे बच्चों को, या कैसे इनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो सकती है। हमारे अकेडमिक्स को लेकर हमारे पेरेंट्स को बहुत चिंताएँ होती हैं, बहुत सारी यू नो डाउट्स होते हैं हमारे पेरेंट्स के मन में भी।
पेरेंट्स के भी ये सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बिकॉज एजुकेटर जो है ना केवल आपके डाउट्स क्लियर करेगा बट एजुकेटर्स पेरेंट्स के भी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी आपको एक स्टडी प्लानर भी बना के देगा। स्टडी प्लानर में बेसिकली ये होगा कि आपकी पूरी जो स्टडी है टाइम टेबल अनअकैडमी आपकी पढ़ाई का एक पूरा एक प्लान बना के अनअकैडमी आपको देगी, जहाँ पे आप यू नो ट्रैक कर सकते हो कि इस वीक में अकॉर्डिंग टू द अनअकैडमी का स्टडी प्लानर इस वीक में मेरे इतने चैप्टर कवर होने चाहिए थे, तो क्या मेरे मेरी जो परफॉर्मेंस है क्या वो स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग चल रही है, क्या थ्रू आउट द वीक मैंने ये चैप्टर्स कवर कर लिए या यू नो नहीं हो पाए हैं, क्या मेरा जो यू नो जो स्पीड है पढ़ाई की वो अप टू डेट चल रही है एज पर द स्टडी प्लानर चल रही है या नहीं। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेसिकली यू नो एकदम परम आनंद वाला सब्सक्रिप्शन है। एक बार आप अगर ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। और विद इन अ वीक अगर मैं कोई गारंटी दे सकती हूँ एज एन एजुकेटर तो वो ये है कि विद इन अ वीक आपको आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते हुए दिखेगी, बिकॉज इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। तो अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सारे प्राइस आपके स्क्रीन पे है। अगेन अलग अलग पैकेजेस है, 6 मंथ का पैकेज है, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ का पैकेज है एंड 24 मंथ का पैकेज है। सारी रेट्स आपके स्क्रीन पे गिवन है। अब अगर आपको इन रेट्स को और कम कराना है यानी कि 10% डिस्काउंट चाहिए इन रेट्स पे, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। बिकॉज अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा सीधा 10% ऑफ मिलता है, और 10% ऑफ होने के बाद क्या रेट्स होती हैं तो वो आप स्क्रीन के इस साइड पे देख सकते हैं मेरे कर्सर पे। तो ये जो बेसिकली मोबाइल फोन है यहाँ पे सारी जो रेट्स हैं ये 10% कम होने के बाद है, तो आपको अवेल करना है 10%, तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज PJAIN10। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम इन दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर, एज मेनी क्लासमेट्स बैचमेट्स ऑफ योर्स। जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल तो आपको जो है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं अनअकैडमी के चैनल पे और क्या क्या वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको पता चलेंगी। एंड इफ यू हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन देन यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द अनअकैडमी चैनल। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी चैनल। टुगेदर यू एंड अस कैन क्रैक एनी एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।